बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रकिया होम क्रिएशन में। आज आपके साथ जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ वो सिंपल मेहंदी डिज़ाइन फॉर फिंगर के हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, स्टाइलिश डिज़ाइन है। आप जब इनको लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। जिन लड़कियों को मेहंदी लगाना इतना पसंद नहीं होता तो वो फिंगर पे मेहंदी लगाएंगी तो उनको अच्छा लगेगा। इसमें मेहंदी बहुत ही कम लगती है। मेहंदी हमेशा अच्छी क्वालिटी की लगानी चाहिए ताकि कोई रिएक्शन ना करे, इसलिए मेहंदी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। और स्पेशली जब दुल्हन को लगे तो मेहंदी बहुत अच्छी वाली होनी चाहिए। मैंने अपनी वीडियो में आपके साथ जो शेयरिंग कर रही हूँ वो फिंगर मेहंदी के डिज़ाइन हैं। बहुत ही अच्छे डिज़ाइन हैं और सिंपल भी हैं। और व्यूअर्स, आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत अच्छे डिज़ाइन हैं और दुल्हन के लिए भी हैं और ईद के मौके पे भी, ईद पे भी लगाने के लगा सकते हैं और ब्राइडल के लिए भी हैं। व्यूअर्स, आप जब भी मेहंदी ख़रीदने लगें तो इस अच्छी क्वालिटी की ख़रीदें और जब मेहंदी लगाएं और जब उसको धो लें तो उसका रंग रेड होना चाहिए, ब्लैक नहीं होना चाहिए। वो इतना खूबसूरत नहीं लगता है। आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह का रेड कलर हो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ब्राइडल के हाथों में मेहंदी बहुत खूबसूरत लगती है। ब्राइडल जो है मेहंदी से ही सजती है। व्यूअर्स, आप इस वीडियो में देख रहे हैं कुछ बहुत ही सिंपल, बहुत ही थोड़े फिंगर पे डिज़ाइन है। ये मैंने उन लड़कियों के लिए डिज़ाइन चूज़ की हैं जो जिनको मेहंदी इतनी पसंद नहीं है लेकिन वो फिर भी मेहंदी लगाती हैं, तो उनके लिए है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूँगी सबसे पहले आप उसको देखेंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में देख रहे हैं बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल डिज़ाइन है। जब आप ये मेहंदी उतारेंगे और तो ये बहुत ही खूबसूरत रेड कलर आएगा और आपके हाथ इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। और जो ऑफिस में काम करती हैं और ईद के त्यौहार पर वो मेहंदी इसलिए नहीं लगाती कि हमने छुट्टियों के बाद ऑफिस जाना है, तो उनके लिए तो ये बेस्ट आइडिया है। इस तरह वो मेहंदी भी लगा लेंगी और बहुत ही कम मेहंदी, फिंगर पे मेहंदी। व्यूअर्स, अगर मेहंदी के साथ नेल पॉलिश बहुत अच्छे कलर की लगी हो तो मेहंदी हाथों में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। अगर आपको ख़ुद मेहंदी लगानी आती है या फिर आपकी फ्रेंड्स को आती हैं या फिर एक्सपर्ट को से आप लगवाते हैं तो ये वीडियो देखकर उनको आइडियाज़ हो जाएंगे। वो ऐसी ही जो आपको पसंद है अगर इनमें से या फिर इससे मिलती जुलती मेहंदी के डिज़ाइन आपके हाथों पे लगाएंगे। बस इस वीडियो में आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत मेहंदी के डिज़ाइन, ये आपके लिए मैंने सेलेक्ट किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आएंगे। व्यूअर्स, मैंने आपसे पहले भी ये बात शेयरिंग की थी कि आप मेरे चैनल पे जो वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए ताकि मैं वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा डालूं और आपको पसंद आए और मैं उनके आपके साथ ज़्यादा शेयरिंग करूं। इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं फिंगर पे मेहंदी के डिज़ाइन और नेल पॉलिश का कलर बहुत अच्छा सेलेक्ट किया है, इसलिए मैंने आपको ये आइडिया दिया है कि अगर आप मेहंदी लगाती हैं और उसके साथ बहुत अच्छा कलर नेल पॉलिश का लगाती हैं तो आपके हाथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। या फिर आप कलर आप लगाना नहीं चाहती हैं कोई तो नेचुरल कलर भी लगा सकते हैं या फिर मेहंदी का अर्क भी अपने हाथों पे लगा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा कलर आता है, रेड मेहरून आता है। अगर आपको उस तरह के कलर पसंद हैं तो आप मेहंदी का अर्क भी अपने नाखूनों पे लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी
और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे ताकि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफज़ाई हो। व्यूअर्स, मैं तो आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी दुआओं में मुझे याद रखेंगे। सिंपल मेहंदी डिज़ाइन फॉर फिंगर।